वेलकम। तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा मॉडल पेपर, कब आएगा मॉडल पेपर, तो झारखंड बोर्ड ने, JCERT ने मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया। ठीक है, जैक के द्वारा ये मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया गया है। और इसमें से देखिए पांच सेट आपका रिलीज़ किया गया है, पांच सेट। और हम लोग इस वीडियो में आज फर्स्ट सेट देखेंगे, जो विज्ञान का फर्स्ट सेट है। तो पांच सेट दिया गया, हम लोग सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, सेट फाइव, सभी का। साइंस, विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, ये सभी का हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी का एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सेट वन कक्षा 10 का चर्चा करेंगे। और जो ये सेट में दिया गया समय आपका, वो कुल मिला के 1.5 घंटा दिया गया और 40 नंबर का है। और आपका इसमें 40 क्वेश्चन भी है। तो आप ऐसा करें कि इसको 40 या 1-1.5 घंटा के अंदर में इसको कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जो सभी सेट का हम सॉल्यूशन करवाएंगे और साथ में इस सेट का सॉल्यूशन होने के बाद टेस्ट जो लेंगे, जो आपकी तैयारी किस तरह का है नहीं है उसको दुरुस्त करने के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से दिया हुआ समतल, उत्तल, अवतल, चार और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से समतल से भी हम लोग दाढ़ी बनाते हैं और अवतल से भी हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर होगा, या फिर आप सही कर सकते हैं। तो एक को सही लगाइए, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच में क्या संबंध है। यही संबंध है कि F बराबर R बटे 2 होगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्या करेंगे कि R बराबर हो सकता है आपका 2F। ठीक है, 2F बराबर R या F बराबर R बटे 2। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर B, आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें आवृत्ति आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका जो है वो सही होगा, आवृत्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चार देखिए। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण है, ठीक है, और परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। तो ये देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण बिंदु होकर गुजरेगी, वो आपका सी से भी गुजरेगी और PF से भी गुजरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच हम लोग देखते हैं कि किसी दर्पण से वस्तु को किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए आप, वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, अवतल तो होगा नहीं, समतल तथा उत्तल, तो इसमें से क्या है कि बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वो सिर्फ एक ही है, वो है समतल दर्पण। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 7 में दिया हुआ किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 दिया हुआ है, सी बराबर अगर 50 दिया हुआ है, तो इसका क्या कहता है कि F बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि R बराबर अगर 50 दिया हुआ है तो F बराबर क्या होगा, कि R बराबर क्या, F बराबर होता है R बटे 2। R का मान 50 है इस जगह पे, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा आपका, 25 आएगा। देखिए 25 किस में दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर वाले फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की क्षमता होगा 1D। ठीक है, प्लस में होगा, माइनस में नहीं दीजिएगा, उत्तल लेंस है। ठीक, चलिए क्या कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो किसमें होता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है किसमें, पॉजिटिव होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये आप सही मार लीजिए। अब कहता है कि 11वां 10वां में कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है, तो जल में आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो, मतलब कि क्या कहते हैं आप, लेंस की फोकस दूरी होगी, वो होगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, P बराबर होता है ना कि 1 बटे F,
तो यहाँ पे पी दिया हुआ है तो यहाँ पे एफ निकल जाएगा आपका, यहाँ पे चार हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे अगर फोर हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा करके, ठीक है। आप जब फॉर्मूला के ऊपर बैठाएंगे तो आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अगर उसकी 50 सेंटीमीटर फोकसांतर दिया हुआ है तो उसकी क्षमता जो होगा वो 2D होगा, ठीक है। उत्तल लेंस है इसलिए 2D आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग स्वार्धिक होता है, किसमें होता है। तो प्रकाश का वेग स्वार्धित होता है तो ये हमेशा आपको पता ही होगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी पूछ रहा है। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ये आप तो पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्लियर। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जंग लगेगा ना तो उसमें दो चीज़ मिल रहा है, इधर से तो आपको ये तो जल इधर से जाके मिल रहा है, उधर से लोहा मिल रहा है, तब जाके जंग बना रहा है, ठीक है। इधर से क्या हुआ कि पानी मिला और इधर प्लस लोहा, तब जाके बनाया आपका वो, ठीक। तो क्या क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, संयोजन हो जाएगा। अब क्या कहता है कि देखिए कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो दिए गए अभिक्रिया में जो यहाँ पे उपचयन हो रहा है वो है आपका कार्बन, सी का उपचयन हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग 13-17 देखें, 18 हम लोग देख रहे थे कि 18 में है कि दिए गए समीकरण संतुलित है। तो देखिए आप सबसे पहले संतुलित कीजिए, इसमें देखिए कि इधर 1-2H है, इधर भी 4H हो गया, ये आपका पहला तो फर्स्ट गलत हो गया। इधर है देखिए यहाँ पे 4L है, ये L है ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 हो गया, इधर 2 ही है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 2Cu है, इसमें 1Cu है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए 1C 1C, वो 2 और 2 4 है, इधर 3 और 1 4, वो इधर H2 है, इधर भी H2 है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो आपको बताना है। 19वां नंबर में Pb प्लस CuCl2 जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है PbCl2 प्लस Cu, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 19वां का क्या होगा कि इसमें जो हो रहा है सबसे पहले आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि तो इसमें विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है आपका। दिए गए पदार्थों में कौन, दिए गए पदार्थों में गंधीय सूचक किस तरह व्यवहार करता है, तो दिए गए पदार्थों में गंधीय सूचक ने क्या गया, दिए गए पदार्थों में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में गलत किए कि क्या कहता है कि ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि दिए गए पदार्थ कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज जो है वो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। हड्डी, अगर किसी का हड्डी टूट जाता है, देखिए VBI क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि व्यंजक चूर्ण का SI मात्रक क्या है, ये भी हम जब अपना चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे थे उसमें आपको बताए भी थे कि आपका ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। VBI क्वेश्चन था मेरा चैप्टर में, हॉट क्वेश्चन था, इसीलिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहले से भी आपको पता ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा, तो इस चित्र में से देखिए कि आपको यहाँ पे एक जग है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट जोड़ा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और इसमें वाटर भी है, ठीक है, वाटर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें देखिए वाटर सब टोटल हो जा रहा है, तो इसमें से आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, क्लियर। आगे देखिए आप यहाँ पे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि 25 में दिया हुआ कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जब तनुकृत किया जाता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो जब प्रकाश वाले आप वियोजन का पढ़े होंगे तो वियोजन प्रकाश का पढ़े होंगे, ऊष्मा का पढ़े होंगे और एक और था, वो तीनों पढ़े होंगे आप, ठीक है, उसमें से प्रकाश का पूछा गया है।
तो प्रकाश का ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ये जी बी आर जब अभिक्रिया करता है तो वियोजित हो रहा है, एक एक पदार्थ टूटकर दो में विभक्त हो रहा है, ये जी और बी आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ठीक, चलिए 27 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका बायोलॉजी चालू हो गया। तो बायोलॉजी हम लोग देखते हैं कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा अपने उत्पाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या कहता है कि पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो इसमें पीत रस के माध्यम से वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण खुद से पोषण करता है। तो देखिए अमरेले एक दूसरे के ऊपर, कवक भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अमीबा भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आम जो है वो खुद से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो आम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसवां क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, है ना, दो अलिंद दायालिंद बायालिंद दायानिले बायानिले, तो कुल मिला के 4 कोष्ठक हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। सबको ध्यान से देख पा रहे होंगे कि श्वसन वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, श्वसन वर्ण किसे कहा जाता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि श्वसन वर्ण किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूजन है, क्लोरोफिल है, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, हीमोग्लोबिन है, तो आपका श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन ही है। ठीक है, इसी ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो विक्राणु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अब ध्यान से देखिएगा कि 33 में क्या कहता है, कि कहता है कि विक्र की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अपोहन, जिसको डायलिसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जनन की मूल घटना क्या है, तो जनन की मूल घटना क्या है, तो जनन की मूल घटना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसका मूल घटना है भ्रूण का बनना, स्टार्ट वहीं से होता है, भ्रूण बना तो ही आप आगे धीरे धीरे युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, ये सब आगे बनेगा, लेकिन पहले भ्रूण बनेगा तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में दिया हुआ है, 35 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि दिए गए चित्र प्रकार के जनन, किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, आप किताब में भी देखे होंगे, शुरू में ही आपको मिल गया होगा, तो यहाँ कह रहा है कि किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ठीक है, तो आप बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आप कौन सा सही होगा तुरंत आप बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सी होगा, विखंडन, ऑप्शन नंबर सी होगा, विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो प्लेज्मोडियम का चित्र है, ये जो चित्र है आपका, ये प्लेज्मोडियम का चित्र है जिसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है निषेचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तब कैसे जानते हैं कि लड़कों में ये लड़का यौवन हो गया, मतलब कि एडल्ट हो गया है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उस कारण से इसका नियंत्रित उसमें किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जब हम चैप्टर ये बना रहे थे, चैप्टर 14, ठीक है, चैप्टर 14 का वीडियो हम जिसमें बना रहे थे उसमें आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम मिलता जुलता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें दिया हुआ 1.4 के डब्ल्यू बटे मिनट है ना, मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें दिया हुआ किलोमीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 40 है, तो जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो बच गया कौन, डी, ऑप्शन नंबर डी, मिथेन। क्लियर, चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का तापमान और 2 मीटर की गहराई के जल के तापमान में कितने का अंतर होना चाहिए, तो इसमें जो अंतर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, कितने का, 20 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें कुल मिला के सभी क्वेश्चन का हल देख लिए हैं, और क्या होगा कि जब ये सेट खत्म करेंगे तो क्या है कि आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो क्या करें कि हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि सभी सेट का जो सॉल्यूशन डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो को हम लोग यहाँ पे अंत कर